वाराणसी में 15 जुलाई को टोंडिया नाले में बने स्टॉप डैम से बही महिला श्रीमती राखी चौधरी का 16 जुलाई को शव प्राप्त हुआ। शनिवार की सुबह से प्रारंभ हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत करीबन 11 बजे महिला का शव कटंगी रोड के टोंडिया नाले स्थित रेलवे पुल के पास होमगार्ड दल एवं SDRF ने बरामद किया है और तत्काल ही पुलिस को सूचना दी गई। मृतिका राखी विनोद चौधरी उम्र 35 वर्ष सोनबाटोला निवासी शुक्रवार को अपनी सास समृद्धाबाई चौधरी, देवरानी आशा चौधरी व देवर के साथ स्वयं के खेत में धान का रोपा लगाने के लिए सुबह 10 बजे जब जा रही थी तभी टोंडिया नाला पर बने स्टॉप डैम को क्रॉस करने के दौरान उसका व उसकी सास का संतुलन बिगड़ गया जिससे सास व मृतिका दोनों ही पानी में बहने लगे। जिसे देखकर देवर लोकेश चौधरी ने मां को तो बचा लिया लेकिन उसकी भाभी गहरे पानी में बह गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतिका की काफी तलाश की और फिर होमगार्ड तैराक व SDRF को जिला मुख्यालय से बुलाया गया जिन्होंने 15 जुलाई की देर शाम तक महिला की पानी में तलाशी की लेकिन महिला का पता नहीं चल पाया। 16 जुलाई की सुबह पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 22 घंटे बाद घटनास्थल से करीब 600 मीटर आगे महिला का शव झाड़ियों में फंसा मिला जिसे SDRF व होमगार्ड तैराकों के दल ने घटनास्थल लाया गया। यहाँ पुलिस ने मर्ग कायम की प्रक्रिया की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये अपना ये आशा से घूम अच्छा वो खेत खेती का समय चल रहा है पराल लगाने का। इसमें ये हमारी सिस्टर ही होती थी राखी, पति का नाम विनोद कुमार चौधरी है। तो खेत में पराल लगाने जा रहे थे, ये जो डैम बना हुआ है डैम के ऊपर से कुछ पटिया पर से क्या अचानक दो महिलाएं स्लिप हो गई जिसमें ये राखी भाई भी थी। तो कुछ लोग दौड़े तो क्या है महिला को निकाल लिए, ये इनके पकड़ में नहीं रहे मतलब पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है वो तो इनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है। कल से ही मतलब जो है बोट द्वारा जो है इसका ढूंढने वाला प्रयास। ये 11 बजे के करीबन टोंडिया नाला रेलवे क्रॉसिंग के थोड़ा ऊपर में बॉडी प्राप्त हो गई, झाड़ियों पे फंसी हुई थी। ये रेस्क्यू कार्य कल से चल रहा था, कल 12 बजे करीबन से तो शाम तक के ढूंढने का प्रयास किया लेकिन बॉडी प्राप्त नहीं हुई। फिर रात में अंधेरा होने के कारण भी रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया। फिर आज पुनः सुबह 7 बजे रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद में कड़ी मेहनत के बाद में 3 घंटे के बाद में बॉडी प्राप्त हुई।